चलो दोस्तों, तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पठान को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो भी सिर्फ एक कलर की वजह से। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के निकालते हैं अपनी बड़ास। तो देखो यार, ये जो बॉयकॉट का सिस्टम है ये आया था रिमेक्स के लिए, और फिर धीरे धीरे ये बॉलीवुड पर हावी भी होने लगा। और तभी आई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, जो कि एक तो बॉलीवुड की मूवी और फिर ऊपर से वो एक रिमेक, और उस टाइम पर रिमेक का बहुत ही बुरा हाल चल रहा था। तो इसी वजह से बॉयकॉट के चक्कर में लाल सिंह चड्ढा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, और लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने की वजह से बॉयकॉट गैंग को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, तो ये थी बॉयकॉट की पूरी जर्नी। और अब आते हैं पठान के ऊपर। तो एक दिन पठान का टीजर आता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी बॉयकॉट गैंग ने उसे बॉयकॉट किया ट्विटर पर। और फिर आया पठान मूवी का एक सॉन्ग बेशरम रंग, जिससे शुरू हुआ असली बवाल। अब देखो, बवाल ये था कि दीपिका पादुकोण ने उस सॉन्ग में पहनी थी भगवा रंग की साड़ी, मतलब ऑरेंज रंग की साड़ी, सॉरी बिकनी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में कभी पहनी नहीं गई, और ऑरेंज रंग को तो कभी भी किसी गाने में यूज ही नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात थी, पठान को बॉयकॉट तो होना ही था। और ये बॉयकॉट गैंग को ये कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ कुछ जाहिल लोग हैं जिनके दिमाग में कुछ ऐसी बात है कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ ऐसे चिपक चिपक के कैसे नाच सकता है। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि कोई इंडिया का थर्ड क्लास चैनल है, न्यूज चैनल, उसने बताई है ये। और माफ करिएगा मैम, देखिए यही चीज बात है ना, ये बेशरम रंग गाना बोल के इसमें क्या दिखाया गया, बिकनी पहन के ये दीपिका पादुकोण है जो कुछ दिन पहले पद्मावती में लिबास पहन के आई थी, फुल लिबास पहन के, वो अपने आप को बिकनी पहन के दिखा रही है, वो भी भगवे रंग के साथ। बेशरम रंग दिखाना था, आप उंगली उठाए, हम हरा रंग दिखाया गया है। गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि इस मूवी का जो कैरेक्टर है पठान, वो पठान हो ही नहीं सकता। मतलब कि जो एक नंगी लड़की के साथ नाच रहा है, आधी नंगी लड़की के साथ, वो पठान कैसे हो सकता है। और सबसे ज्यादा तो ये भगवा रंग की वजह से ही क्रिटिसाइज हो रही है पूरी मूवी। तो देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी कलर किसी भी धर्म का नहीं है। अगर ऐसा होता तो संतरा कभी मुसलमान, सिख, ईसाई ये कभी खा ही नहीं सकते थे। और मानो अगर उस सॉन्ग में ऑरेंज की जगह हरा होता तो मुसलमान थोड़ी ये बोलते कि ये हमारा कलर है। तो देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर आपको भगवा रंग और ऑरेंज रंग से प्रॉब्लम है कि इसे कोई और यूज ना करे, तो जाओ इस पर कॉपीराइट ले लो। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है भगवा या ऑरेंज रंग से, तो एक काम करो, बॉयकॉट मूवी को करने से कुछ नहीं होगा, बॉयकॉट करो उन फैक्ट्रीज को जो ऑरेंज कलर के कपड़े बनाती है, उन दुकानों को जो ऑरेंज कलर के कपड़े बेचते हैं। और हाँ, हमने ये भी सुना है कि काफी सारे बजरंग दल वाले काफी सारे टाकीज तोड़ रहे हैं जहाँ पर शायद पठान लगने वाली है। तो भाइयों मेरी बात सुनो, मेरा वाला टाकी जाके तोड़ दो, क्योंकि यार वो साला मार्वल की कोई पिक्चर ही नहीं लगाता है। मुझे मार्वल की हर मूवी देखने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है यार। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जैसे ही 25 तारीख को पठान लगे, तुम आओ और साले उसका टाकीज तोड़ डालो, वो मार्वल की पिक्चर लगाता ही नहीं है। खैर छोड़, हमारी इस वीडियो का मतलब किसी का दिल या जिगर दुखाना नहीं था, हम सीधी सी लॉजिक की बात करने आए थे, और वो हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और मूवीज के रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।